अथ द्वितीयो अध्यायः। शौनक उवाच, सूत सूत महाभाग, धन्य अस्त्वं परमार्थवित्, अद्भुतेयं कथा दिव्या, श्राविता कृपया हीनः। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अघोग विध्वंस करी मनः, शुद्धि विधायनी, शिव संतोष जननी कथेयं नौ श्रुताद्भुता। हमने यह पापनाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतत् कथा समानं न भुवि किंचित परात्परम, निश्चये नेति विज्ञातम अस्माभिः कृपया तव। के विशुद्धि अंत्यनया कथिया, पापिनः कलो, वदतान कृपया सूत, कृतार्थं भुवनं कुरु। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलिजुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत उवाच, ये मानवाः पापकृतो, दुराचार रताः खलाः, कामादि नीरता नित्यं, ते अपि शुद्धि अन्तिनेन वै। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्धि हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ परो अयं वै, भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा, शोधनः सर्व पापाणां, शिव संतोष कारकः। तृष्णा कुलाः सत्यहीना, पितृ मातृ विदूषका, दाम्भिका हिंसका ये च, ते अपि शुद्धि अन्तिनेन वै। स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विता, ज्ञान यज्ञेन ते अनेन संपूर्णन्ति कलावपि। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छल शंकरा ये च क्रूरा सुनिर्दया, ज्ञान यज्ञेन ते अनेन संपूर्णन्ति कलावपि। ब्रह्म स्वपुष्टा सततं व्यभिचार रताश्च, ये ज्ञान यज्ञेन ते अनेन संपूर्णन्ति कलावपि। सदा पापरता ये च, ये सठाश्च दुराशया, ज्ञान यज्ञेन ते अनेन संपूर्णन्ति कलावपि। मलिना दुर्धियो अशांता, देवता द्रव्य भोजिनः, ज्ञान यज्ञेन ते अनेन संपूर्णन्ति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलिजुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलिजुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणस्यास्य पुण्यं सन महापातक नाशनम, भुक्ति मुक्ति प्रदं चैव शिव संतोष हेतुकम। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। अत्रैवोदाहरन्तिं मीतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः, दरिद्रो रस विक्रेता, वेद धर्म परांगमुखः। संध्या स्नान परिभ्रष्टो, वैश्यवृत्ति परायणः,
देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजन वंचकः। सौ विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चापि तथा परान हत्वा नानामिषेनैव ततदनयमपाहरत्। अधर्माद बहुवित्तानि पश्चात्तानि अर्जितानि वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पं चापि पापिनः। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उनका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दैकत डागे सौ स्नातुंग या तो महिषुर वैश्यांग शोभावतिंग नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वल स्ववसंग धनी नंग विप्रंग ज्ञात्वा हृष्ठात सुंदरी वार्तालापेन तच्चितंग प्रीति मत्स्य मजायत। स्त्रियं कर्तुंग सौतांग मेने पतिं कर्तुं चौसा तथा एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजय हृतु। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। आसने सहने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा द्वोतु ववृताते परस्परम मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितो अपि पुनः पुनः नामन्यत वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पापकृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक देर्ष्या वसाद रात्रो मातरंग पितरंग बधूम प्रसुप्तान न्यवधीद दुष्टो धनंग तेषंग तथा हरत। आत्मनीनंग धनंग यच्च पित्रादीनंग तथा धनम वैश्याये दत्तवान सर्वं कामे तद्गता मानसः। सो भक्ष्य भक्षकः पापी मदिरापान लालसः एक पात्रे सदा भोक्षित सवैश्यो ब्राह्मणाधमः। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। कदाचि दैव योगेन प्रतिष्ठान मुपागतः शिवालयं ददर्शासो तत्र साधु जनावृतम्। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। स्थित्वा तत्र च विप्रो असो ज्वरेनाति प्रपीडितः सुश्राव सततं सेविंग कथां विप्रमुखोद्गताम्। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकले हुए उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेना पीड़ितो मृतः बद्धो यम भटय पाशैर्नीतो यम पूरंग बलात्। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। तावच्छिव गणा शुभ्रा स्त्री शूलांचित पानयः भस्म भाषित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रहा। शिवलोकात समागत्य क्रुद्धा यम पूरी ययु ताड़ित्वा तु तदूतं अस्तर्जित्वा पुनः पुनः। देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तु मुत्सुका। तदा यम पूरी मध्ये महाकोलाहलो अभवत्।
इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धर्मराजस्तु तंग श्रुत्वा स्वालयाद बहिरागमत धृष्टवाथ चतुरो दूतान साक्षात रुद्रानिवापरान पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराज्यो यथाविधि। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए, साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उसका विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तांतं ज्ञातवान यमः नौ भयात पृष्टवान किंचि चक्षुं भोर्दूतान महात्मनः। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलास मगमंगस्तदा तदुः शिवाय सांबाय तं दयावारी राशिये। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर साम शिव को दे दिया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावने यस्या श्रवण मात्रेन पापी यानम मुक्ति भाग। सदा शिव महास्थानं परंग धाम परंग पदम यदा हुर्वेद विद्वांसः सर्वलोको परिस्थितम्। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना। मातृपितृ वधू हन्ता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र कत्वा मुक्तो अभवत् क्षणात्। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया।